जेपीएससी की कक्षाओं में पुनः आपका तहे दिल से स्वागत है प्रतियोगी विद्यार्थियों। प्रतियोगी विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना था कि जेपीएससी की सफलता के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या रणनीति अपनाएं, क्या हो आपकी प्लानिंग कि इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में शानदार सफलता अर्जित की जा सके। छदगन, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इन तीन चीजों पर हम लोगों ने विगत कक्षाओं में फोकस किया था। आज हम लोग जानेंगे छदगन जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पीटी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर वन, पेपर टू। छदगन ध्यान दीजिएगा, पेपर वन और पेपर टू में क्या अंतर है? छदगन, पेपर वन की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 अंक का होता है, यानी 200 मार्क्स। पेपर टू में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 अंक का होता है, यानी 200 मार्क्स। छदगन, अंतर क्या है? पेपर वन में जीएस होता है, जनरल स्टडीज, और पेपर टू में झारखंड होता है। छदगन ध्यान देंगे, क्या हो रणनीति ताकि प्रारंभिक परीक्षाओं में सफलता आपके कदम चूमे, यही छदगन आपको जानना है और उसी रणनीति के अनुसार आपको काम करना है। छदगन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज की कक्षाओं में कि पेपर वन का सिलेबस क्या क्या है और कैसे कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। 100 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कहां कहां से पूछे जाएंगे और किस रणनीति के तहत आपको जो है सफलता प्राप्त करनी है। साथ ही साथ प्रश्नों की जो है प्रारूप प्रश्नों के कैसे होंगे, क्योंकि छात्रगण कहा जाता है कि प्रश्नों के प्रारूप को यदि आपने जान लिया, स्ट्रेटजी को जान लिया, एग्जामिनर के माइंडसेट को आपने पढ़ लिया और जान लिया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो फिर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा छात्रगण, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए पैटर्न और क्वेश्चन को भी जानना बहुत जरूरी है छात्रगण, ये भी आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर, संजीवनी बूटी और रामबाण के रूप में कार्य करेगा। छात्रगण, सबसे पहले अपने नोट्स कॉपी में आप हेडिंग बनाएगा पेपर वन, है ना, ये आप बना लिए हैं, पीटी प्रिलिमिनरी टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है छात्रगण। यहां आपका नॉलेज लेवल कितना डेप्थ है, कितना फैक्ट्स पे आपको कमांड है, ये सभी कुछ देखा जाता है छात्रगण, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन सही है ना। तो छात्रगण, ये चार्ट आपने बना लिया, पीटी प्रारंभिक परीक्षा, पेपर वन, पेपर टू, है ना। अब छात्रगण अपने नोट्स कॉपी में हेडिंग बनाइएगा अलग से, सिलेबस पेपर वन, पेपर वन सिलेबस, हेडिंग बना लिया छात्रगण आपने, वेरी गुड। अब लिखिएगा छात्रगण, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, डैश देके लिखेंगे, इससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं, जिनके विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं, लिख लिया छात्रगण आपने, वेरी गुड, लिखिएगा। नंबर वन प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री,
डैश देकर लिखेंगे छतगन। इससे पांच प्रश्न पूछे जाएंगे, पांच प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, कंप्लीट, वेरी गुड। नंबर दो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, डैश देके लिखेंगे। इससे पांच प्रश्न रहेंगे, पांच प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री लिखेंगे। इससे पांच प्रश्न रहेंगे, प्रश्न रहेंगे। छतगन पेपर वन में जो पहला भाग आपने पढ़ा, छतगन हिस्ट्री, कुल प्रश्न 15, यानी कि 100 में 15 प्रश्न छतगन हिस्ट्री से रहेंगे, है ना। उसमें भी छतगन तीनों हिस्ट्री को बांट दिया गया है, एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न, पांच पांच पांच। छतगन, इतिहास विषय एक ऐसा विषय है जो आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में छतगन काम आता है, इसलिए आपको इसके लिए रणनीति बनानी होगी। और हर इतिहास के, चाहे प्राचीन भारतीय इतिहास हो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो, आधुनिक भारतीय इतिहास हो, सब पर कमांड रखना होगा छतगन, और सभी चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, इतिहास के लिए सबसे अच्छी पुस्तकें मानी जाती हैं एनसीईआरटी। सिक्स टू ट्वेल्व एनसीईआरटी की किताबें छतगन, यदि आप 6 to 12 की पढ़ते हैं तो इतिहास के लिए यह काफी मानक पुस्तक मानी जाती हैं, यह काफी जो है उपयोगी पुस्तकें मानी जाती हैं, और यह आपको सफलता के द्वार पर पहुंचा सकती हैं। साथ ही साथ छतगन, आपको एनसीईआरटी की पुस्तकें कैसे पढ़नी चाहिए उसे भी गौर करेंगे। एनसीईआरटी की पुस्तकों को जब भी आप पढ़ें, तो मैंने आपको बतलाया है और पुनः मैं बतला रहा हूं, इतिहास की शुरुआत जब भी करें छतगन, तो मॉडर्न हिस्ट्री के साथ करें। मॉडर्न हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मजेदार है, परिचित हैं आप उससे, इसलिए पढ़ने में मजा आता है। भगत सिंह ने सांडर्स को गोली मार दी पुलिस मुख्यालय के बाहर, तो आपके अंदर भी देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। छतगन, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी थे, जब आप उनके बारे में जानते हैं तो आपके अंदर में भी देश के लिए एक कुछ कर गुजरने का जज्बा आता है। इसलिए छतगन, मॉडर्न हिस्ट्री मजेदार है, रोचक है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद की बुलंदी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, के रचयिता हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल साहब। ये सब चीजों से आप परिचित हैं और इनका नाम आपने सुना हुआ है। इसलिए छतगन, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करें। संस्थान भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरुआत करेगी, और मॉडर्न हिस्ट्री से ही हम लोग आगाज करेंगे छतगन 1857 की क्रांति, है ना। तो छतगन, याद रखिएगा, इतिहास विषय को जब भी आप शुरू करें तो कहां से शुरू करें, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करें, है ना। उसके बाद मेडिवल पढ़ें, उसके बाद एंशियंट पढ़ें। एंशियंट सबसे लास्ट में मैं पढ़ने के लिए क्यों कर रहा हूं, कि वो थोड़ा सा बोरिंग है, यदि भी बोरिंग नहीं है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बना करके प्रस्तुत करूंगा, मैं बहुत मजेदार बना करके प्रस्तुत करूंगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उसमें फैक्ट्स कुछ ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा वहां दिक्कत होती है, कहानी कम है छतगन। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एंशियंट को भी मैं आपको कहानी बता करके और बहुत ही इजी मोड में बताऊं, ताकि आपको वो भी टफ ना लगे। छतगन, इतिहास विषय से 15 सवाल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास ध्यान देंगे। छतगन, प्राचीन भारतीय इतिहास से क्या सवालों की प्रक्रिया रहेगी उसको आपको ध्यान देंगे। क्या सवाल पूछेगा जेपीएससी आपके समक्ष, गौर करें छतगन। पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर एक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु एक श्रृंगी बैल या कुबा वाला सांड था।
नंबर दो, सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। नंबर तीन, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल को बंदरगाह नगर कहा जाता है। नंबर चार, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। नंबर पांच, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बार पशुपति के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। अब छात्रगण इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन गलत है। यही है छात्रगण यूपीएससी जेपीएससी के क्वेश्चन का एक पैटर्न, जिसको आपने पकड़ लिया तो विजेता और सहंसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छात्रगण, अब जब तक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा कमांड नहीं जानेंगे, पूरी बातों को नहीं जानेंगे, विभिन्न स्थलों के बारे में आपके अध्ययन नहीं होंगे, तो यह सब क्वेश्चन बनेगा नहीं, बुखार छुआ देगा, हालत कर देगा, खराब कर देगा, और बिना नवा सैलून के आपका बाल झड़वा देगा। छात्रगण, हालत खराब हो जाएगी आपकी और माथा का नस कड़कड़ाने लगेगा। कह रहे घर से निकले थे तब तो ठीक था, सब बलवा सलामत था, ये बेलमुंडा कैसे हो गए हो। तो यह स्थिति होती है छात्रगण, लेकिन वहीं आपकी तैयारी रहेगी, आप पढ़े हुए रहेंगे, आपका अध्ययन रहेगा, आप डेप्थ अध्ययन किए हुए रहेंगे, तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इसका सही आंसर होगा छात्रगण नंबर पांच, पशुपतिनाथ के साक्ष्य। भारतीय इतिहास में पहली बार भगवान शिव के साक्ष्य, पशुपतिनाथ के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। एक योगी के चित्र के रूप में हड़प्पा से एक मिट्टी की मोहर मिली है, उसमें एक योगी का चित्र मिला है जिसे सर जॉन मार्शल ने कहा था यही पशुपति हैं, यही शिव हैं, और पहली बार भारतीय इतिहास में पशुपति का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से, न कि लोथल से। तो छात्रगण ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में। दूसरी वानगी देखें छात्रगण, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछेगा वैदिक सभ्यता के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन इनमें सही है। ऑप्शन देगा, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। नंबर दो देगा कथन, ऋग वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, तथा उत्तर वैदिक सभ्यता का कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तीसरा देगा, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। चौथा देगा, ऋग वैदिक काल में भारतीय स्त्रियों की स्थिति सबसे अच्छी थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में भारतीय स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। नंबर पांच देगा, ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था समिति थी। छात्र नीचे ऑप्शन देगा, केवल एक सही है, एक दो सही है, एक दो पांच सही है, एक दो तीन चार सही है, उपरोक्त सभी सही है। क्या लगाइएगा छात्रगण, जेपीएससी यूपीएससी में पूछा गया सवाल है ये। छात्रगण आपका जवाब होगा एक दो तीन चार सही है, पांचवा जवाब गलत है। छात्रगण इसे आपको ध्यान में रखना होगा। छात्रगण पांचवा जवाब गलत क्यों है, क्योंकि वहां पर जो मैंने आपको कथन कहा कि वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था समिति नहीं थी, विदत थी। क्या थी छात्रगण, विदत, विदत थी, इसे आपको ध्यान रखना होगा। और जाने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या सवाल पूछे जाएंगे, जो पांच सवाल आपके रहेंगे वो कहां से पूछे जाएंगे। पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। नंबर एक, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नंबर दो, गुप्त काल में आर्यभट्ट नामक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ मौजूद थे, जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के संबंध में अनेक आविष्कार किए थे। नंबर तीन देगा, गुप्त काल में भारत का शेक्सपियर कहलाने वाले कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है वह प्राकृत भाषा में की थी। नेक्स्ट देगा आपको, गुप्त काल में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नंबर पांच कथन देगा छात्रगण, गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, जहां बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। अब पूछेगा छात्रगण कि इनमें से कौन सा कथन गलत है।
तो छदगन जब तक आपका कमांड नहीं रहेगा पूरे गुप्त काल पर, पूरे गुप्त ईरा को आप नहीं जानिएगा, समुद्र गुप्त को नहीं जानेगा, चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं जानेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को नहीं जानेगा, कुमार गुप्त प्रथम को नहीं जानेगा, कालिदास को नहीं जानेगा, आर्यभट्ट को नहीं जानिएगा, तब तक सवाल नहीं बन पाएगा छदगन। तो इसके लिए क्या करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं छदगन? कमांड करें अपने पाठ्यक्रम पर, कमांड करें अध्याय पर, और उसी स्ट्रेटेजी के तहत चले। छदगन गौर कीजिएगा और आपकी पैनी निकाह मैं चाहता हूं इस सवाल का सही जवाब होगा छदगन वो ऑप्शन जहां मैंने बताया था आपको कि कालिदास ने, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी वो प्राकृत भाषा में की थी, नहीं छदगन संस्कृत भाषा में की थी। तो आपको जब तक नहीं मालूम रहेगा कि कालिदास ने अपनी भाषा में किस भाषा का प्रयोग किया था छदगन, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था, आपको जब तक नहीं मालूम रहेगा तब तक क्या इस तरह के सवाल आपसे बन पाएंगे? जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। इसलिए छदगन कमांड रखें इन पर, है ना, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे, बहुत ही जबरदस्त रूप से आपको याद रखने होंगे, इसे आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की वानगी देखिए छात्रगण, मैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से बार बार आपको परिचित करा रहा हूं ताकि आप सीखिए कि सर क्वेश्चन कैसा आता है जेपीएससी में, जब बताइए सर बीपीएससी में, अदर स्टेट में, यूपीएससी में, तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को सीखिएगा ना छात्रगण, तो कॉम्पिटिशन का आधा विजेता तो ऐसे ही बन जाइएगा, है ना, सेमीफाइनल तो ऐसे ही जीत जाइएगा, बस खाली फाइनल है बाकी रहेगा। तो छात्रगण क्या पूछेगा, पूछेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। दूसरा देगा, हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तीसरा कथन देगा इसी क्रम में जिसको आपको ध्यान देना होगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आया था, जिसने भारत यात्रा का विवरण सी यू की नामक ग्रंथ में लिखा है। चौथा ऑप्शन देगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबारी कवि और इतिहासकार बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। नंबर पांचवा देगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारतीय इतिहास संस्कृति की गौरवमयी गाथा लिखी गई थी, और हर्षवर्धन एक बहुत ही दानशील और दानी प्रवृत्ति का शासक था। छदगन ये जो जितने भी कथन मैंने कहे हैं ये सारे कथन सही हैं, इनमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तो छदगन आप इस तरह के कमांड रखिए तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, आप इस तरह का कमांड रखिएगा तो जेपीएससी के प्रश्नों को बनाने में आपको कहीं भी मुश्किलों का सामना, कहीं भी दिक्कतों का सामना, कहीं भी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए छदगन आपको इसे ध्यान रखना होगा, आपको इसे मनन करना होगा, आपको इसे याद रखना होगा, आपको एक एक चीजों को छदगन गौर करना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का पैनी निगाह रखनी होगी। छदगन प्राचीन भारतीय इतिहास में मैं एक टिप्स आपको दे रहा हूं, छदगन कुछ अध्यायों पर आपने कमांड कर लिया, कुछ चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छी रणनीति से पढ़ लिया, तो फिर आप इतिहास के विद्वान बन जाएंगे, खास करके प्राचीन भारतीय इतिहास के। जैसे छदगन सिंधु घाटी सभ्यता प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, वैदिक सभ्यता प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या प्राचीन भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, गुप्त काल, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष, हर्षवर्धन, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। छदगन मेरी बताई गई टिप्स को यदि आपने आत्मसात किया और उसी स्ट्रेटेजी पर काम किया तो मैं एटलीस्ट दावे के साथ कह सकता हूं कि इन पांच अध्यायों पर या छह अध्यायों को जो है मैंने बतलाया है, इन पर यदि आपने बहुत ही तीक्ष्ण निगाहें रखी, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स पे कमांड कर लिया, तो आपके एंशियंट हिस्ट्री के पांच क्वेश्चन पकड़ में लगभग आ जाएंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन कुछ अलग अलग चैप्टर से पूछे जाते हैं, संगम काल हो गया, विदेशी आक्रमण हो गया, है ना छदगन, वो हर्षवर्धन हो गए, वो सब भी है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन आपके इसी से आ जाएंगे, पांच में से चार क्वेश्चन लगभग आपको पकड़ में आ जाएंगे छदगन। इसलिए स्ट्रेटेजी इस तरीके के बनाइए ताकि सफलता सुनिश्चित की जा सके, ध्यान रखेंगे छदगन। दूसरा है
मध्यकालीन भारतीय इतिहास मेडिवल हिस्ट्री, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छतगन मेडिवल हिस्ट्री में क्या हो आपकी रणनीति, यहां भी आप एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करें 6-12। और पुस्तकों का अध्ययन करते वक्त पुस्तकों में जो भी महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं उसको अंडरलाइन करें और फिर उसको अपने नोट्स कॉपी में लिखते भी चले जाएं। इससे क्या होगा कि आप अंडरलाइन कीजिएगा तब भी आप पढ़िएगा, फिर लिखिएगा तब फिर दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको जितनी बार रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपको फायदा होगा, ये चीजों को ध्यान रखेंगे। छतगन मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी मैं टिप्स आपको दे रहा हूं। मिडिवल हिस्ट्री में भी यदि आपने दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य जैसे चैप्टर्स पे कमांड कर लिया तो आप मान के चलिए कि 70-80% आप सिलेबस कवर कर लेंगे, क्योंकि छतगन दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है ना। मुगल वंश भी अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है और ये दोनों अध्याय के शासक भी बहुत सारे हैं, इसलिए इन सबों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना मिडिवल हिस्ट्री पे कमांड करवा देगा आपको, कहीं कोई दिक्कत और कहीं कोई मुश्किल आपको छतगन नहीं होगी, इसे आपको ध्यान रखना होगा। मिडिवल हिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे छतगन, गौर कीजिएगा। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, ऑप्शन में देगा अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन में देगा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन में देगा फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन में देगा मुबारक शाह खिलजी। क्या लगाइएगा छात्रगण, बताइए, है ना। सही जवाब होगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है छात्रगण, फिरोज शाह तुगलक को। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो कि होली के उत्सव में भाग लेता था और धर्मनिरपेक्ष भी था, वह शासक कौन था। ऑप्शन में देगा नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 गयासुद्दीन तुगलक, नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। क्या लगाएंगे छतगन, फंस गए ना आप, अरे बाप ये टफ क्वेश्चन आ गया जी, है ना। तो छतगन ये विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी में पूछा जा चुका है। छतगन ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक जो कि होली के उत्सव में भी भाग लेता था, जो कि धर्मनिरपेक्ष शासक भी था, वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर, ये पागल सुल्तान था, ये अभागा सुल्तान था, ये रक्त पिपासु था, ये अंतर विरोधों का मिश्रण था, ये विद्वान कैसे हो गया। नहीं छतगन, यह विद्वान भी था और धर्मनिरपेक्ष भी था और प्रजा के साथ होली के उत्सव में भी भाग लेता था, ध्यान दीजिएगा। छतगन प्रश्नों की वानगी और भी देखें कैसे क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लाल किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ऑप्शन में देगा नंबर 1 आगरा का लाल किला, नंबर 2 देगा लाहौर का लाल किला, नंबर 3 देगा इलाहाबाद का लाल किला, नंबर 4 देगा दिल्ली का लाल किला। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है छतगन, आप तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा कि सर दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां बनवाया था। लेकिन छतगन यदि आपको ये नहीं मालूम रहा कि अकबर ने भी 3 लाल किले बनवाए थे, कहां कहां, आगरा में, इलाहाबाद में और लाहौर में, तब तक क्या आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए छतगन आपको इसे भी ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। यह भी अपने आप में प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। छतगन दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, मनन करना होगा और याद रखना होगा, क्या सवाल आएंगे, पूछेगा कौन सा मुगल शासक भारत को दारुल हर्ब कहता था और उसे दारुल इस्लाम बनाने की ख्वाहिश रखता था। ऑप्शन में देगा अकबर, दूसरा ऑप्शन में देगा शाहजहां, तीसरा ऑप्शन में देगा जहांगीर, चौथा ऑप्शन में देगा औरंगजेब। क्या लगाएगा छात्रगण, औरंगजेब। भारत को कहता था काफिरों का देश है ये, दारुल हर्ब है, और क्या बनाना चाहता था, दारुल इस्लाम, इस्लामिक देश बनाना चाहता था। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छात्रगण। फिर आपसे पूछेगा ताजमहल के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1 ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, नंबर 2 ताजमहल को मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है, नंबर 3 ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल 1631 से 1653 तक का समय लगा था, नंबर 4 ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद इशा खां थे, नंबर 5 ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था जिसका वास्तविक नाम जो है मेहरुनिशा था। नहीं छतगन,
यही गलत है। मुमताज का वास्तविक नाम मेहरुनिशा नहीं था, अर्जुमंद बानो बेगम था छात्रगण। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम नाम था मुमताज का। तो मेहरुनिशा फिर किसका नाम था? नूरजहां का वास्तविक नाम था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। तो छात्रगण, जब तक आप इन सब चीजों पर कमांड ना करेंगे, जब तक आप इन सब चीजों पर अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे छात्रगण, तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। आपको इसको ध्यान में रखना होगा, आपको इसे याद रखना होगा। गौर कीजिएगा छात्रगण, क्या सवाल आएंगे उसे गौर कीजिएगा। पूछेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। नंबर एक देगा, मुगल काल में अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी। नंबर दो देगा, जहांगीर चित्रकला में काफी माहिर था तथा किसी भी चित्र को देखकर बता देता था कि उस चित्र के विभिन्न हिस्सों को किन चित्रकारों ने बनाया है। नंबर तीन देगा, औरंगजेब को जिंदा पीर या चलता फिरता दरवेश कहा जाता था। नंबर चार देगा, सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया और इस निर्णायक युद्ध में वह जीतकर मुगल बादशाह बन गया। नंबर पांच देगा छतगन, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, देगा, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता सर्वधर्म संभाव की नीति अपनाई थी। छतगन, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनमें सभी कथन सही हैं। तो आप जब तक मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं, उन शासकों के बारे में आप नहीं जानोगे कि अकबर का क्या छवि था, बाबर का क्या छवि था, हुमायूं का क्या छवि था, शाहजहां का क्या था, जहांगीर का क्या था, औरंगजेब का क्या था, तब तक आपसे प्रश्न बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इसलिए छात्रगण, इन सब चीजों पर कमांड करें, इन सब चीजों पर अपने आप को जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से तैयारी करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। छात्रगण, इसे आपको ध्यान रखना होगा। छात्रगण, मुगल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अलावा विजयनगर बहमनी साम्राज्य, भारत में मुस्लिम या अरब आक्रमण, जिसे तुर्क आक्रमण भी कहा जाता है ना, साथ ही साथ त्रिपक्षी संघर्ष, चोल साम्राज्य, इन सब चीजों से भी सवाल, मराठा साम्राज्य, इन सब चीजों से भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। उन्हें भी आपको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको दिक्कत और मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। तीसरे चीज की ओर हम लोग आ रहे हैं छतगन, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। यहां से भी पांच सवाल पूछे जाते हैं छतगन, एंशियंट से पांच, मेडिवल से पांच, मॉडर्न से पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं छात्रगण। आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको 1857 की क्रांति, कांग्रेस, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का क्या योगदान था, गवर्नर जनरल और वायसराय, भारत में आए जाने वाले प्रमुख अधिनियम चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के नाम, यदि आप इन सब अध्यायों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रगण, संस्थान का प्रयास रहेगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के भी सभी अध्यायों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास में ही हर बात को कई बार समझाते हुए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को बतलाते हुए और एक एक चीजों को जो है लिखाते हुए आपकी तैयारी करवाई जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। ये चीजों को आपको छात्रगण ध्यान में रखना होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में किस प्रकार के सवाल आएंगे उसे गौर करेंगे छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। छात्रगण पूछेगा, महात्मा गांधी के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देगा, नंबर एक, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। नंबर दो, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नंबर तीन, महात्मा गांधी को रिक्रूटमेंट सर्जेंट कांग्रेस के गरमपंथी दल के नेता कहते थे। नंबर चार, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स सीएफ एंड्रूज ने कहा था। नंबर पांच, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि सीएफ एंड्रूज ने दी थी। तो छतगन, यहां पर जो गलत है वह है चौथा, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स सीएफ एंड्रूज ने नहीं कहा था। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स करने वाले व्यक्ति तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे छात्रगण? लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। सीएफ एंड्रूज ने महात्मा गांधी को कहा था बापू। क्या कहकर संबोधित किया था? बापू कहकर के संबोधित किया था, ध्यान रखिएगा छात्रगण। दूसरा सवाल पूछेगा आपसे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान
ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान कैसरे हिंद को वापस लौटा दिया था। ऑप्शन में देगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, दूसरा ऑप्शन देगा नमक सत्याग्रह के दौरान, तीसरा ऑप्शन देगा असहयोग आंदोलन के दौरान, चौथा ऑप्शन देगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। क्या लगाइएगा छात्रगण? असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च उपाधि कैसरे हिंद को लौटा दिया था। ध्यान रखिएगा छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। फिर आपसे सवाल पूछेगा इसी क्रम में, उसको भी ध्यान रखिएगा। पूछेगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर के एएसपी सांडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वास्तविक अर्थों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किसकी हत्या करना चाहते थे? नंबर एक देगा सांडर्स की ही, नंबर दो देगा स्कॉट की, नंबर तीन देगा ए एवं बी दोनों, नंबर चार देगा इनमें से कोई नहीं। अब छात्रगण ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, सर ये तो नाम नहीं सुने हैं, सांडर्स का नाम सुने हैं, सांडर्स को इन लोग मारा भी था गोली, लेकिन सर बाकी चीज तो समझ में नहीं आ रहा है ना छात्रगण? सही जवाब होगा स्कॉट। कौन था स्कॉट? स्कॉट लाहौर का एसपी था। लाला जी पर, लाला लाजपत राय पर जब साइमन कमीशन का वो लाहौर में विरोध कर रहे थे और साइमन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे, तब छात्रगण लाहौर के एसपी स्कॉट ने ही लाला जी पर लाठी चार्ज का आदेश दिया था और खुद भी लाठियां चलाई थी। सांडर्स भी वहां पर मौजूद था, उसने भी लाठियां भांजी थी, लेकिन स्कॉट एसपी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु स्कॉट को ही मारने के लिए गए थे, लेकिन चूंकि सामना सांडर्स के साथ हो गया तो इन्होंने सांडर्स को मार गिराया, स्कॉट को ये नहीं मार पाए थे। छतगन इस तरह के डेप्थ अध्ययन भी आपको काफी काम आएंगे। फिर आपसे पूछेगा सुभाष चंद्र बोस जब भारत से भेष बदलकर बाहर चले गए थे, भारत से जब वो भेष बदल करके निकल भागने में सफल रहे थे कलकत्ता से, जहां इन्हें नजरबंद किया गया था लॉर्ड एल्गिन रोड में, तो इन्होंने एक पठान का रूप धारण किया था। इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? नंबर एक देगा शमसुद्दीन, नंबर दो देगा जियाउद्दीन, नंबर तीन देगा सरफुद्दीन, नंबर चार देगा सलमान अली। छतगन इन्होंने अपना नाम रखा था जियाउद्दीन। ध्यान दीजिएगा डेप्थ का क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस जब इंडिया से पलायन किए थे, भारत से जब वो पठान का रूप धारण करके कलकत्ता से अपने निवास स्थान से अंग्रेज सरकार के आंखों में धूल झोंक करके निकल भागे थे, तो उन्होंने अपना क्या नाम रखा था छात्रगण? जियाउद्दीन पठान नाम रखा था। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह के प्रश्न की उम्मीद आपसे की जाती है छात्रगण, कि ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने का मादा रखते हैं कि नहीं। ऐसे प्रश्नों को यदि आपने सॉल्व कर लिया तो आपको हिस्ट्री विषय पर जो ये 15 सवाल पूछे जाएंगे, आप इसमें अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा, इन सब चीजों को मनन करना होगा, इन सब चीजों को स्मरण करना होगा। तो छात्रगण 6-12 तक की एनसीईआरटी जिन जिन चैप्टर्स पर मैंने कहा उन पर विशेष ध्यान, विशेष आपकी इनायत होनी चाहिए और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को जानना ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। पिछले वर्ष के भी प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक को आप लेकर के उसे भी दोहराएं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और हम लोग बताते भी चलेंगे कि यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, तो आपको इस तरीके से जो है तैयारी करने पर निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अगला विषय लिखेंगे छात्रगण नंबर दो, भूगोल। भूगोल, हाँ ज्योग्राफी छात्रगण लिखिए, इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो निम्न हैं, नंबर एक सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी छात्रगण, सामान्य भूगोल लिखेगा टेस्ट देके, इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे छात्रगण। सामान्य भूगोल में क्या है? भारत का भूगोल, भारत की पहाड़, पठार, नदियां, मरुस्थल, झील, है ना, ये सब सारी चीजें किस चीज में आ जाती है?
जनरल ज्योग्राफी में आ जाती है ना। तो ये सब चीजें जनरल ज्योग्राफी के तहत आपसे पूछ देगा, है ना, आपको उसको ध्यान रखना होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ध्यान रखिएगा। हिमालय महासागर की उत्पत्ति किस सागर से हुई थी, तो टेथिस सागर से हुई थी। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा छतगण, इन सब चीजों से सवाल आपको पूछे जाएंगे और इसी तरह के सवाल आपको ज्योग्राफी में रहेंगे। मैपवर्क पे कमांड करें, ज्योग्राफी पे आपका खुद ब खुद कमांड हो जाएगा। मैपवर्क आप जितने ज्यादा करेंगे, ज्योग्राफी विषय आपके लिए उतना ही मजेदार और उतना ही अंकदायी भी बनता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा छतगण, है ना। नंबर 2 लिखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल लिखेगा, फिजिकल ज्योग्राफी। इससे भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे छतगण। फिजिकल ज्योग्राफी के तहत हमारा सौरमंडल, ग्रहण, ज्वार भाटा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ज्वालामुखी, जितने भी भौतिक क्रियाकलाप हो रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के तहत, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। पूछ देगा फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है, जापान में है छतगण। कहां पर है छतगण, जापान में है, ध्यान रखिएगा फ्यूजियामा, है ना। तो छतगण जब तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे कमांड नहीं होगी, जब तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ज्वालामुखी का कैसे उद्भव होता है, किस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है, किस प्रकार से जो है रेखाएं काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यान रेखा क्या है, कैसे डेडलाइन निर्धारित होता है, कैसे 2 देशों के बीच समय का अंतर होता है, जब तक आपका कमांड नहीं होगा इन सब चीजों पर, तब तक आपसे सवाल बन पाएंगे, जवाब होगा नहीं नहीं नहीं। तो सवाल बनाने के लिए आपको इन पर कमांड रखना होगा, सवाल बनाने के लिए आपको इन पर कमांड रखना होगा। इसे भी छात्रगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी आपको याद रखना होगा, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण भौतिक भूगोल के बाद आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी छात्रगण। आर्थिक भूगोल देखिए, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे छगन, आर्थिक भूगोल में क्या है, कृषि, व्यापार, है ना, ये सब आर्थिक भूगोल का एक पार्ट है। यानी इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं छात्रगण जो कि ज्योग्राफी में भी आपको काम आते हैं, जैसे भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, वो आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। व्यापार इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। किस वस्तु के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, वो आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है। तो आर्थिक भूगोल में यही सब चीजें आपको छात्रगण पूछी जाएगी। पूछेगा आपसे चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, उत्तर प्रदेश। प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पंजाब। सोयाबीन के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो मध्य प्रदेश, है ना। कॉफी के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो कर्नाटक। इस तरीके के क्वेश्चन आपको छात्रगण पूछे जाएंगे आर्थिक भूगोल के तहत। इसलिए आपको कृषि प्रणाली से लेकर के जितने भी भारतवर्ष के व्यापार होते हैं, जितने भी विशेष निर्यात क्षेत्र हैं, ये स्पेशल एक्सपोर्ट जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इन सब चीज़ों पर आपको कमांड रखना होगा। भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है, किस बंदरगाह से किन चीज़ों का निर्यात किया जाता है, किस बंदरगाह से किन चीज़ों का आयात किया जाता है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको छात्रगण याद रखनी होगी। आर्थिक भूगोल, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण सामाजिक एवं जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी भूगोल। सामाजिक एवं जनसांख्यिकी, जन जनसांख्यिकी भूगोल, इसे डेमोग्राफी भी कहा जाता है छात्रगण, भूगोल लिखे। इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे छतगण। क्या है ये सामाजिक एवं जनसांख्यिकी भूगोल, है क्या, इसे गौर कीजिएगा छतगण। हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है, 2001, 2011, 2021 में अब होगी छतगण। हर जनगणना के बाद हमारे देश में
कई तरह के आंकड़े डेटास बदल जाते हैं, जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, लिंगानुपात के अनुसार, प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व के अनुसार, शिक्षा के अनुसार आंकड़े परिवर्तित होते हैं या कई आंकड़े यथास्थिति बने रहते हैं। आपको उन्हीं सब चीजों को याद रखना है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है? तो केरल। दूसरे स्थान पर कौन है? तो मिजोरम है ना छात्रगण। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। तो जब तक आपको जनसंख्या के अनुसार कमांड नहीं रहेगा, दे देगा पांच राज्य का नाम है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बोलेगा इन राज्यों को जनसंख्या के अनुसार क्रम से सजाएं, फिर दे देगा चार राज्यों का नाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बोलेगा इन राज्यों को जनसंख्या घनत्व के अनुसार क्रम से सजाएं, फिर दे देगा चार राज्यों का नाम, मिजोरम, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बोलेगा इन राज्यों को साक्षरता दर के अनुसार क्रम से सजाएं, फिर दे देगा चार राज्य का नाम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बोलेगा इन राज्यों को लिंगानुपात के अनुसार क्रम से सजाएं। तो छात्रगण, जब तक आप नहीं जानिएगा, आपका डेमोग्राफी पे कमांड नहीं रहेगा, आपका जनगणना पर पूरा कमांड नहीं रहेगा, आप जनगणना के पूरे आंकड़े को नहीं याद रखिएगा, तब तक सवाल आपसे बनेंगे छात्रगण? नहीं बनेंगे। इससे भी जो सवाल पूछे जाएंगे छात्रगण, इस पर भी आपको कमांड रखना होगा। इसलिए जनगणना अभी 2011 के आंकड़े आपके पास हैं, 2021 के पहले जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आप छात्रगण देंगे उसमें आपको कौन से आंकड़े काम आएंगे छात्रगण? 2011 के आंकड़े काम आएंगे। इसलिए 2011 का आंकड़ा अभी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मनन रखना है, और 2021 की जनगणना के बाद फिर आपके लिए एक नया होमवर्क हो जाएगा, 2021 की जनगणना, उस पर आपको 2021 की जनगणना के अनुसार काम करना होगा। तो छात्रगण, ये है भूगोल विषय में पूछे गए 10 प्रश्न और उनकी रूपरेखाएं, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा और एक एक चीजों को याद रखना होगा। छात्रगण, भूगोल विषय पर कमांड करने के लिए क्या करें? मैपवर्क का सहारा लें, इंडिया का मैप आप देख रहे हैं, वर्ल्ड का मैप ये भी आप देख रहे हैं, है ना, दोनों मैप पर आप कमांड रखें, कौन कौन सी नदियां कहां से निकलती है, कहां से गिरती है, कौन झील कहां पे है, कौन महासागर कहां पर है, कौन से मरुस्थल कहां पर है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत कहां पर है, कौन सा जलप्रपात कहां पर है, कौन ठंडी जलधारा है, कौन गर्म जलधारा है, ये सारे चीजों को आप विश्व के मानचित्र पर देखें। इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, आपका मानचित्र पर पकड़ भी हो जाएगा, ज्योग्राफी पर कमांड भी आपकी हो जाएगी और आप अच्छे अंक ला सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में भी, ज्योग्राफी विषय पर आपकी कमांड हो जाएगी। इसे छात्रगण आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, अगले विषय का नाम लिखेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तीसरा विषय की ओर हम लोग आ रहे हैं छात्रगण, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी हम लोगों ने किया, अब इंडियन पॉलिटी, हेडिंग बनेगा भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था लिखिए। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो निम्नलिखित भागों से रहेंगे। नंबर एक, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गज देके लिखेंगे। इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान, डज देके लिखेंगे। इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 2 लिखेंगे लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डज देके लिखेगा। इससे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 3 लिखेगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ब्रैकेट में कर देंगे, नगर पालिका,
नगरपालिका एवं पंचायती राज व्यवस्था, नगरपालिका एवं पंचायती राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, व्यवस्था लिखेगा डस देखे। इससे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छतगण, भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी छतगण? 10 होगी। कहां कहां से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से 4 प्रश्न रहेंगे। लोक प्रशासन जो कि एक नया विषय आपके लिए होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी 4 प्रश्न रहेंगे। और 2 प्रश्न रहेंगे स्थानीय स्वशासन प्रणाली से, सत्ता का विकेंद्रीकरण सिद्धांत से, जो कि नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था है छतगण। ये तीनों से आपको प्रश्न रहेंगे छतगण। पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग विषय है, जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, जो टीवी में न्यूज बराबर सुनते हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं करते हैं, उनको पॉलिटिकल साइंस पे कमांड हो जाता है छतगण। पॉलिटिकल साइंस पे कमांड कैसे करें? पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा? लोक प्रशासन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? साथ ही साथ संविधान से प्रश्न कैसे रहेंगे? पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका से जेपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये सारे चीजों को हम लोग जानेंगे अगली कक्षाओं में छतगण। सिलेबस पर लगातार पैनी निगाहें हम लोग रख रहे हैं, और एक चीजों को मैं आपको बतला रहा हूं कि हिस्ट्री कौन कौन पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी कौन कौन पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी कौन कौन पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, और आपको उसी अनुसार से अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देनी होगी। हम लोग आपके साथ साथ छतगण 24/7 सदैव तत्पर हैं, सदैव समर्पित हैं, और आपसे भी ज्यादा मेहनत करने का मादा रखते हैं और समर्पित रहते हैं छतगण। बस कहा जाता है ताली दोनों हाथ से बजती है। हम लोग जितना मेहनत करते हैं उससे कम मेहनत आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको अपने करियर का निर्माण करना है छतगण। आप भी जमकर मेहनत कीजिए और हम लोगों का साथ दीजिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। गीता में कर्म का सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म यदि हम अच्छे करेंगे, मेहनत करेंगे, झोंकेंगे अपने आप को, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा छतगण। कर्म जो है वह फलवान तो होता ही होता है और बलवान भी होता है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पुनः अगली कक्षाओं में भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्नों के प्रारूप और साथ ही साथ अन्य विषय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन कैसे रहेंगे, विज्ञान से प्रश्न जो है कैसे रहेंगे, अर्थशास्त्र से प्रश्न कैसे रहेंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न कैसे रहेंगे, और जीके के ट्रेडिशनल जीके से जो 15 सवाल आएंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, इन सब चीजों पर हम लोगों की पैनी निगाहें रहेगी छतगण। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।